हिमाचल प्रदेश की ये ठंड अब गर्मी में तब्दील हो जाएगी और ये जो तपिश होगी वो तपिश होगी जनता के मुद्दों की, वो तपिश होगी उन सवालों की जो हमारे एडिटर इन चीफ यानी कि मुकेश राजपूत जी पूछेंगे, वो तपिश होगी उन तमाम सवालों की जो जनता पूछना चाहती है अपने जनप्रतिनिधियों से जो हिमाचल के मुद्दे हैं। आपने सत्ता पक्ष को सुना, विपक्ष को सुना और साथ ही अब आपने जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर भी यहां पर जो बातचीत हुई उसे भी सुना। तो अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी को, वो आए और अपना स्थान यहां पर ग्रहण करें और सत्ता पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी भी यहां पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सतपाल सत्ती जी आप भी अपना स्थान ग्रहण करें और इसी के साथ ही मैं यहां पर बुलाना चाहूंगी सीपीआईएम के विधायक राकेश सिंगा जी को भी, वो आए यहां पर, काफी वरिष्ठ नेता हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। सतपाल सत्ती जी आपको इनवाइट कर रहे हैं हम यहां पर, आपकी भूमिका यहां पर देखी जाएगी, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ। और साथ ही अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी खबरें अभी तक के एडिटर इन चीफ मिस्टर मुकेश राजपूत जी को कि वो यहां पर आए और देखना ये होगा कि अपने सवालों के चक्रव्यूह में किस कदर वो सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने लाकर, सीपीआईएम के जो यहाँ पर नेता हैं उन्हें आमने सामने लाकर हमारे हिमाचल प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन्हें आगे लेकर जाते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, शाइनिंग हिमाचल का मकसद भी यही है। लेकिन इससे पहले शुरुआत कर लेते हैं एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत जी के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में जन्मे सतपाल सत्ती राजनीति शास्त्र में एमए एमफिल हैं। 1988 में एबीवीपी ज्वाइन की, पहली बार 2003 में विधायक बने, 2012 में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने संगठन और पार्टी को हिमाचल में मजबूती के साथ खड़ा किया। इसी का परिणाम है कि आज हिमाचल बीजेपी चट्टान की तरह अपने कदमों पर मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर शिमला के कुमारसेन के रहने वाले हैं। कुलदीप सिंह राठौर लंबे अरसे तक पार्टी प्रवक्ता भी रह चुके हैं, हिमाचल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। कुलदीप राठौर पेशे से वकील भी हैं, संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। राठौर ने कॉलेज के दिनों से छात्र राजनीति से शुरुआत की, साल 1978 में एनएसयूआई में शामिल हुए, 1981 से लेकर 1987 तक एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष रहे। संगठन को मजबूत करना और हिमाचल वासियों की आवाज़ बुलंद करना ही उनका लक्ष्य रहता है। साल 1956 में कोटगढ़ के एक किसान परिवार में राकेश सिंघा का जन्म हुआ। लॉरेंस स्कूल सनावर से शिक्षा ग्रहण करने के बाद चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन की। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ही राकेश सिंघा वामपंथी विचारधारा से जुड़े। छात्र आंदोलन से जुड़ने के बाद एसएफआई से जुड़े। हिमाचल विश्वविद्यालय में एसएफआई को खड़ा करने में इनका बड़ा योगदान रहा। पार्षद से लेकर विधायक तक का सफर तय किया और एक बार फिर विधानसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का परचम लहराया। किसान, मजदूरों और बागवानों की कोई आवाज बुलंद करने के लिए प्रदेश में जाना जाता है तो वो नाम है राकेश सिंघा। साल 1956 में कोटगढ़ के एक किसान परिवार में राकेश सिंघा का जन्म हुआ। लॉरेंस हरियाणा की हर खबर, खबरें अभी तक के इस स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त स्टेज पर जो बैठे हैं तीन, वो आपके अपने हैं, शिमला के हैं, मैं शिमला का हूं, तो स्वागत नहीं करोगे? बहुत बहुत शुक्रिया। और तारुफ के तो मोहताज नहीं है क्योंकि तीनों ही शख्स हर रोज आपके साथ रहते हैं, हर रोज आपके बीच में रहते हैं, फिर भी तारुफ कराना मेरा फर्ज है। सतपाल सत्ती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कॉमरेड राकेश सिंघा और कुलदीप राठौर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज एक और खबर जो हम आपको देने जा रहे हैं
गुजारिश करूंगा शिमला के जो नव निर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर हैं वो भी एक बार मंच के सामने आए और अभिवादन स्वीकार करें। शैलेंद्र चौहान डिप्टी मेयर और सत्या कौंडल मेयर, बहुत बहुत मुबारक हैं। मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई बधाई। तो अब सिलसिला सवालात का शुरू करते हैं और पहला सवाल कुलदीप राठौर जी आपसे, इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कैसी चल रही है कांग्रेस? बिल्कुल ठीक चल रही है। मुझे लगभग 11 महीने का समय हुआ प्रदेश अध्यक्ष बने और इन 11 महीने में कांग्रेस पार्टी को हमने इकट्ठा किया है और विपक्ष की हम जोरदार भूमिका निभा रहे हैं। ये जो विपक्ष की जोरदार भूमिका है, इस भूमिका में जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि अध्यक्ष रह गया है, बाकी जो कार्यकारिणी थी आपकी वो खिसक गई है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये संगठन की अंदरूनी प्रक्रिया है, क्योंकि काफ़ी सालों से पदाधिकारी जो है एक पद पे थे, आलाकमान ने निर्णय लिया कि प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ के पूरी कार्यकारिणी भंग हो और जल्दी ही नई कार्यकारिणी जो है गठित होने वाली है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दूसरा सवाल कॉमरेड राकेश सिंघा से। जी सिंघा साहब, अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो उसमें बस एक ही शेर उभर कर सामने आता है, वो है राकेश सिंघा। जबकि बात करें हम धरनों की, प्रदर्शन की, लाल झंडा यूनियन की, तो वहाँ पे आप हर एक जगह पहुँच जाते हैं, तो ये संख्या बढ़ती क्यों नहीं है आपकी? देखिए, ये हकीकत है, इन दो के मुकाबले में हम छोटे हैं और उसका कई कारण। पहला कारण है, मेरी पार्टी देश में जो सर्वहारा है उसकी है और जो सर्वहारा का नेचर हिमाचल प्रदेश में है वो ना के बराबर है। वो उद्योग आ नहीं पाया, उसके बहुत से कारण रहे, कुछ बिजली के प्रोजेक्ट आए उसमें छोटा मोटा मजदूर को संगठन किया, एक कारण है नेचर ऑफ दी वर्किंग क्लास। लेकिन वो जो उद्योग नहीं आ रहे उसका चक्कर भी ये है कि वो डरते हैं आने में। नहीं, सरकारें सब्सिडी हमारे से डरेंगे तब अगर आए, उनको डर ये लगता है, डरेंगे तब अगर आए, हिमाचल में आए तो राकेश सिंघा आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डरे तब अगर आए, आए कहाँ है, वो तो हिमाचल के फ्रिंजेस पर है, बद्दी में है, ब्रोटी वाला में है, आपके नालागढ़ में है, दमताल में है, कालाम में है, पोंटा में है, तो ये सारे अंदर नहीं आए, में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, है हिमाचल में लेकिन हिमाचल के कोने में, अंदर आएंगे तब जब उसको सुविधा मिलेगी। ना यहाँ रेल लाइन बन सकी, आप भी जानते हैं जो अंग्रेज रेल लाइन बना दे उसके आगे एक इंच लाइन नहीं बढ़ी, छोटी मोटी होगी लेकिन ना के बराबर। ना यहाँ पर आपके हवाई अड्डे बन पाए, तो ना यहाँ पर उस प्रकार का रॉ मटेरियल अवेलेबल है जिसके आधार पर वो उद्योग को बनाना चाहते। हाँ, उद्योग लग सकते थे, टूरिज्म का उद्योग लग सकता था, जो यहाँ पर आपकी खेती है, सेब की खेती है, उसके आधार पर। लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है, उस दिशा में ज़्यादा काम हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाया। लेकिन बात वो नहीं है, बात तो है कि मेरी पार्टी क्यों नहीं बढ़ी। मेरी पार्टी इसलिए नहीं बढ़ी, मैंने एक्सप्लेन किया, एक नेचर वर्किंग क्लास का उस रूप में नहीं है। दूसरा, जो किसानी के अंदर जो एक बहुत बड़ा अंतर रहता है एक जागीरदार और एक खेतिहर मजदूर का, वो हिमाचल में नहीं रहा। यहाँ पर जो जमीन का बंटवारा है वो बहुत पहले आजादी की लड़ाई के साथ साथ भूमि सुधार हिमाचल प्रदेश में हुआ, जम्मू कश्मीर के बाद बेस्ट जो रिफॉर्म हुआ है वो हिमाचल में, ये बात सही है, कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है, वो भी एक अच्छा वो लैंड रिफॉर्म हुआ। वापस आपके पास लौटूंगा सिंघा साहब। भूमि सुधार के लिए इनको कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार रही है, इनको ये किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों के आंदोलन की वजह से हुआ वो। बधाई का आदान प्रदान है वो कुलदीप राठौर जी और राकेश सिंघा जी, अक्सर आप करते रहते हैं, और जब पिछली बार हमने आपका इंटरव्यू किया था इसी मंच पे तो हमने कहा था
कांग्रेस का आशीर्वाद तो प्राप्त रहता है सिंघा साहब। ऐसा है, हम जनता का आशीर्वाद लेते हैं, जनता का मिल गया वो ठीक है, जनता का नहीं मिलेगा इनकी भलाई होगी ना इनकी होगी, जनता के साथ साथ इनका वजूद मेरे से बहुत बड़ा है, लेकिन जनता है में काउंट करता है थोड़ा बहुत, तो शुक्रिया कह दीजिए मन से, क्या इतने बड़े नेता कह दीजिए ना आज। मैं तो सबको शुक्रिया है, अध्यक्ष महोदय बैठे हैं इनका भी शुक्रिया है, ये बैठे हैं इनका भी शुक्रिया, लेकिन सबसे बड़ा शुक्रिया हिमाचल प्रदेश की जनता जी। चलिए सतपाल सत्ती जी आपके पास आते हैं, काफी लंबी पारी आपने खेल ली भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन के तौर पर, रिकॉर्ड बन गया ये, कितने समय से हैं आप अध्यक्ष? 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष, 9वां वर्ष चल रहा है, 9वां वर्ष चल रहा है, लेकिन सवाल जो अगला है वो दमदार है, बाकी कितने दिन बचे? अभी इतने वर्षों में जो काम किया है वो पार्टी के सारे नेताओं के सहयोग से और पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत से जो सारा काम हुआ है। आपने ठीक कहा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद के ऊपर नहीं चलती है, और ना ही इस पार्टी के अंतर कोई ऐसी हायरार्की है जिसके कारण आदमी परमानेंट इसके पदों के ऊपर बैठ सकता है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष का चुनाव करवाती है, जिसकी प्रक्रिया पिछले 2 महीने से हमारी चल रही है जी। उस प्रक्रिया में हमारे 73 मंडलों के चुनाव हो चुके हैं, 17 जिलों के चुनाव हो चुके हैं, सबके कार्यकारिणियाँ लगभग गठित हो चुकी हैं, और अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित बातचीत आजकल चल रही है, और मुझे विश्वास है कि 15 जनवरी से पहले पहले हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को, पार्टी का ही एक कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मिल जाएगा, और हम सब लोग एक बार फिर से पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए इकट्ठे चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक चीज़ का तो श्रेय हम आपको दे देते हैं कि आपकी अध्यक्षता में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने फिर सरकार बनाई है। इसके अलावा आप सुर्खियों में बहुत रहे इस बार, नेशनल में हिमाचल की खबरों को बहुत कम तरजीह मिलती है, लेकिन सतपाल सत्ती को इस बार बहुत तरजीह दी गई, प्रियंका गांधी पर बहुत आपने कटाक्ष किए। नहीं, जहाँ तक आपने कहा कि जो चुनाव जीते हैं, मैं पहले उसका स्पष्टीकरण दे देता हूँ जी। जो चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी में एक कलेक्टिव लीडरशिप के रूप में काम होता है, कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का लीडर एक टीम के रूप में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अगर विजय प्राप्त की है, हमारी गवर्नमेंट बनी है हिमाचल प्रदेश में, हमारी गवर्नमेंट चल रही है जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, और उसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार चारों की चारों सीटें जीती हैं जी। और उस चारों सीटों में भी हिंदुस्तान में हमने रिकॉर्ड बनाया कि 68% वोट परसेंटेज हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा कहीं पड़ा तो वो हिमाचल प्रदेश में पड़ा, और उसके साथ अभी 2 उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में भी भाई लोगों ने काफ़ी जोर लगाया कि हम लोग ना जीते, लेकिन जनता ने हमारा आशीर्वाद हमें दिया और हम लोग चुनाव जीते। तो ये सारा श्रेय जो जाता है वो सब पार्टी के नेताओं को जाता है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर पर बैठे हुए हमारे पन्ना प्रमुख तक को ये श्रेय जाता है, जहाँ तक इसकी बात है चुनाव जीतने की। इसमें मेरे अकेले का श्रेय नहीं है, सारी टीम का श्रेय है, सब कार्यकर्ताओं का, समाज का श्रेय उसको है। और जहाँ तक आपने न्यूज में चर्चा का विषय कहा जी, कई बार ऐसी बात का बतंगड़ बन जाता है जो आदमी के द्वारा नहीं होता। मुझे भी ध्यान में है जो राहुल गांधी जी के बारे में बातचीत हुई थी, उसके बारे में मैंने सिर्फ फेसबुक के ऊपर पढ़ करके बताया कि राहुल गांधी जी मंचों के ऊपर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, जो मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूं। तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े लीडर्स हैं और राहुल गांधी जी एक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और तीसरी बार के एमपी हैं, एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार के सदस्य हैं। ये मेरे नालागढ़ में जो हमारा रामशहर में कार्यक्रम हुआ था उसकी बात है जी। मैं कहा उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में ना तो कोई FIR लॉज हुई है, ना उनके बारे में कोई करप्शन के चार्ज लगे, ना चार्ज कोई साबित हुए हैं, तो कोई व्यक्ति कैसे एक प्रधानमंत्री को चोर बोल सकता है? तो उसके नाते मैंने एक फोन उठाया और मैंने जनता को बोला, मैंने कहा जब ऐसा कोई बोलता तो नरेंद्र मोदी से लोग प्यार करते हैं, तो लोगों ने ये लिखा है जो मैं भी ठीक है, मैं उसमें इतना मान सकता हूँ कि मेरे को वो पढ़ना चाहिए था या नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर उसके बाद ये भी बोला कि जिन लोगों ने जो लिखा है इस तरह नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी एक नेशनल प्रेसिडेंट है एक पार्टी के,
राहुल गांधी के विषय में तो हमने आपसे पूछा, तो मैंने उनको फिर मैं पूरी क्लियर आपके ध्यान में ला देता हूँ। फिर मैंने आगे ये भी बोला कि हमारे कार्यकर्ता भी सोशल मीडिया से आजकल बातचीत चलती है, क्योंकि कई लोगों को सोशल मीडिया की एडिक्शन हो गई है, उस पर हर कुछ डालते हैं। तो मैंने ये भी निर्देश दिए कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता, अगर कोई व्यक्ति, मैंने सोनिया जी का भी नाम लिया कि सोनिया गांधी जी हैं, चाहे किसी अन्य पार्टी का भी कोई निर्णय है, उसके बारे में जितना मान सम्मान हमारे मन में मोदी जी का, अमित शाह जी का, आडवाणी जी, अटल जी का होता था, उन लोगों का उतना मान सम्मान हमारे मन, उन लोगों के मन में भी अपने लीडर्स का रहता है। इसलिए हम सब लोगों को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी बातचीत मैंने की और उसको मीडिया ने उठा करके जो सीधा कर दिया, सतपाल सत्ती ने बोला, पढ़ा और बोला। अगर मीडिया को इसमें भी अंतर ध्यान में नहीं आता तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। चलिए आगे निकलते हैं इस कंट्रोवर्सी से। और मेरे मन में उतने मान सम्मान सब लीडरों का है जितना अपनी पार्टी के नेताओं का। जी चलिए, ये आपके मन में होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस पद पर बैठे हैं वो गरिमापूर्ण पद है। राठौर साहब आपके पास आ रहे हैं, आपकी पार्टी आजकल कहाँ है? आपकी पार्टी के जो नेशनल लीडर्स हैं वो आजकल कहाँ हैं? क्योंकि जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है अपनी मैनिफेस्टो के हिसाब से, चाहे बात धारा 370 की करें, ट्रिपल तलाक की करें, या अभी जो कैब चल रहा है, तो क्या आपने कसम खा रखी है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी वाले करेंगे उसका हम विरोध करेंगे तो ही हमारा सर्वाइवल है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं लगती कि जो देश हित में है, तो कम से कम अगर उनकी तारीफ हम नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें? देखिए, पहले तो मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा कि देश हित का कौन सा काम हुआ। रही विरोध के बाद हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अभी देश में आर्थिक मंदी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, बेरोजगारी बढ़ रही है, जीडीपी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, तो हम इन्हीं बातों को लेकर तो विरोध कर रहे हैं। धारा जो कश्मीर से हटाई गई, तो आप कश्मीर को लेकर जो आपके नेता हैं उनमें अलग अलग बयान आ रहे हैं, ट्रिपल तलाक को क्या आप ठीक समझते हैं? देखिए, ये जो कैब लाया गया जो अब बिल का रूप ले चुका है, ये गलत चीज़ है देश के लिए? देखिए, अभी जो देश में ज्वलंत समस्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों का ध्यान जो है उन समस्याओं से हटाने का प्रयास कर रही है। अब जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों की आज की तारीख में कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाएं, आज बताइए देश को क्या ज़रूरत है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश में, वो जो आर्थिक मंदी है उसके बारे में सोचे, जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके बारे में कोई कारगर कदम उठाए। आज राजनीतिक जो है ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है। वापस आपके पास लौटूंगा। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सबसे गुजारिश है, स्वागत इनका कीजिए आप तालियों के साथ, और इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंघा जी, अभी हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी हमारे बीच आ चुके हैं, और आजकल जो मुख्य उद्देश्य इनका लगता है वो है कि इन्वेस्टर्स को प्रदेश में लेकर आएं। इन्वेस्टर मीट्स भी हो रहे हैं, ये दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं, विदेश में भी जा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स में आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो यूनियनबाजी है वो एक भय पैदा करती है? जैसे पहले ये चीज़ सिर्फ होटलियर्स तक थी, उसके बाद फिर जब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आए उसमें चली गई, फिर जो इंडस्ट्री चली गई, तो ये इस भय को कैसे ख़त्म किया जाए? आप मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं वो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर यहाँ पे आने से परहेज करने लगे हैं कि भाई वहाँ पे यूनियन बन गई तो पैसा डूब जाएगा। देखिए, पहली बात, आज की तारीख में इन्वेस्टर यूनियन के सिलसिले में नहीं यार का क्वेश्चन नहीं है। आज की तारीख में जो मंदी का दौर है उसके कारण जिसके पास पूंजी भी है वो लगाने के लिए तैयार नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि आज बैंकों से भी बहुत डीप क्राइसिस है, एनपीए इतना हो गया है जिसके कारण सेंट्रल बैंक भी और जो बैंक है वो पूंजी देने से घबरा रहे हैं। तीसरी बात रही मेरी यूनियन बनाने की, जिसे खौफ होता है, मेरे से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना मेरे विचार से डरने की जरूरत है, ना मजदूर की यूनियन से डरने की जरूरत है। इन्हें क्या करना है, जो लॉ है उस लॉ को लागू करना है। अधिकतर पूंजी के मालिक
चाहे हाइडल में आए चाहे उद्योग में आए, वो थरो वॉयलेशन करते हैं। और जो हमारा ढांचा है जिसको नियंत्रण करना है, लेबर विभाग है, वो लेबर की हिफाजत नहीं करती है, वो अभी मालकों की हिफाजत करती है। विवाद का कारण वो है। अगर सरकार और सरकार का तंत्र उस कानून को लागू करे तो मैं नहीं समझता हूं विवाद होगा। सबसे लंबे समय तक जो सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो कलकत्ता में रही जी, और उस बंगाल में जी, और वहां का जब हम देखते हैं विकास हो रहा है आपके हिसाब से वहां पे? क्योंकि जब ये 58, 54, 80, 85 पूरे हिंदुस्तान में बंद हो गई थी तो वहां की बसों में चलती थी, तो वो विकास की गाथा कह रही थी। ऐसा ही जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इन चीज़ों पर, जो मजदूरों की आप बात करते हैं, आप बिल्कुल करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा जो पूंजीपति भी यहाँ पे आ रहे हैं या अपना बिजनेस लगा रहे हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान रखें कि इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो इसकी दाल रोटी भी चलती रहे। 100% ख्याल, लेकिन किस शर्त पर? वो जो लॉ है उस लॉ का अमली जामा वो करे। बाकी कोई भी बिजनेसमैन दया दृष्टि से नहीं आएगा, मुनाफा बनाने आएगा, उस दृष्टि से आता है। हम कहें आप मुनाफा बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो श्रम का हिस्सा है, जो मजदूरी का हिस्सा है, जो खून पसीने का उसका बनता है, वो आपको देना है। अधिकतर आपका ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन ही करते हैं। जो विवाद हिमाचल प्रदेश में पड़े हुए, मंडी के आईआईटी में विवाद हुआ, जिसमें बाद में यह पता लगा कि मजदूरों से पैसा काट दिया, लेकिन आपने प्रोविडेंट फंड के दफ्तर में उसको जमा नहीं किया। तो जब इतनी बड़ी उल्लंघना कर दोगे, उसके श्रम से, उसके मेहनत से, उसकी तनख्वाह से पैसा काट दोगे जो उसके भविष्य के लिए गारंटी है, और उसको अमल नहीं करोगे, और फिर बाहर से पंजाब से लठैत लाओगे, तो हिमाचल का गरीब बेशक होगा, लेकिन वो अपने अमान को बेचने नहीं आया। जब वो काम करने आया है, वो अपने श्रम को बेचता है। तो ये जिम्मेवारी सरकारों की है और सरकार के तंत्र की है। दे मस्ट इंप्लीमेंट द लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। नहीं करेंगे तो मजदूर, उसका राइट है ऑर्गेनाइज करने का, और जो उसका हक बनता है उसको लेने का भी राइट है उसका। सतपाल सत्ती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं इस वक्त, और जो ये आरोप लग रहा है, तो अगर सिंघा साहब की माने तो अराजकता की सी स्थिति है मजदूरों की। अगर बात करें क्या असल में ऐसा है, जो बाहर से इन्वेस्टर आप लेकर आते हैं तो उनसे किस तरीके के वायदे किए जाते हैं? इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, लेकिन जैसा सिंघा साहब कह रहे थे कि हिमाचल का जो भारी इलाका है, हरियाणा पंजाब से लगता हुआ इलाका, वहाँ पर ज़्यादा है, अंदर नहीं आ पा रही हैं, तो अंदर लोग आए, ऐसी कोई नीति? हिमाचल प्रदेश में उद्योग आए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब लोग उस स्टेट के निवासी हैं जो कंज्यूमर स्टेट है, जो केंद्र के अनुदान के ऊपर हम सब लोग चलते हैं। उसके नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास किया है, धर्मशाला में 7 और 8 तारीख को 2 दिन इन्वेस्टर मीट हुई, जिसमें देश से और विदेश से इन्वेस्ट करने के लिए लोग आए, और हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व के अनेकों प्रदेश देशों में जाकर के मुख्यमंत्री जी ने और उनके मंत्रियों ने प्रयास किया कि लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर है, कोई करप्शन की बहुत बड़ी बातचीत जहाँ पर नहीं है, अच्छे लोग हैं, इसलिए आप लोग जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। तो उसके नाते वो सफल भी हुए, और उसी का परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में जो हुई, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत अच्छा उससे मान सम्मान भी किया, जिसमें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, और उन्होंने भी इन्वेस्टर को यही कहा कि मैं भी जहाँ पर आज होस्ट के नाते आया हूँ, एक गेस्ट के नाते नहीं आया हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ना तो करप्शन का ज़्यादा मामला रहेगा, ना लॉ एंड ऑर्डर का मामला रहेगा, और अच्छे लोग हैं, अच्छी आपको लेबर के शरीफ लोग यहाँ पर मिलेंगे जो आपका काम करेंगे, और आपको भी प्रॉफिट होगा और प्रदेश को भी लाभ होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि इन्वेस्टर मीट जो हुई है, प्रथम तो मैं उसकी सफलता यही मानता हूँ कि सैकड़ों लोग देश से और विदेश से लोग वहाँ पर आए, और लगभग 90,000 करोड़ रुपये के एग्रीमेंट्स MOU साइन हुए, और मुझे विश्वास है कि अभी जो 27 दिसंबर को हमारी जहाँ शिमला में रैली हो रही है, उस दिन अमित शाह जी जहाँ पर आ रहे हो, मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के जो है हमारे MOU हैं उनको ग्राउंड के ऊपर उतारा जाए, पहली किस्त के रूप में उनको आगे बढ़ाया जाए।
तो उसके नाते जहां तक सिंघा जी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हम सब लोग शांत प्रिय लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उसके नाते अपनी गवर्नमेंट होने के नाते मुख्यमंत्री जी भी इसका आपको जवाब देंगे जब आएंगे, मैं जो दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग यहां जो इन्वेस्ट करेंगे उनके भी हितों का ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के गरीब लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, कई बार उनको भोला वाला समझ के भी लूटा जाता है, वो चाहे आजकल अखबार में कई बार आता है कि सेब के व्यापारियों के लगभग, मैं परसों चौथ ही पढ़ रहा था कि 15 करोड़ रुपया लोगों के, 30 करोड़ रुपया लोगों का फंस गया, तो उसके नाते लोग शरीफ के नाते लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हम लोग कर पाते हैं, तो उसके नाते हमारी गवर्नमेंट जो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट जहाँ इन्वेस्टर्स के साथ सहयोग करेगी, वहीं पर जो हमारे लेबरर हैं, हमारे प्रदेश के निवासी हैं, उनको रोजगार मिले, लड़के लड़कियों को, नौजवान मित्रों को, भाई बहनों को रोजगार मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और जो हमारा बक्समैन कंपनसेशन एक्ट है, जिसकी सिंघा जी बातचीत कर रहे हैं कि जो हमारे श्रमिक हैं उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाए, तो हम एक साथी के नाते, हम एक पार्टी के नाते नहीं यहाँ बैठे कि हिमाचल प्रदेश के तीन पार्टियों के मुखिया के नाते बैठे, और हिमाचल प्रदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, सबके लिए जी, अपने लोगों के हित हमारे लिए सर्वोपरि है, तो उनके हितों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कुठारघात नहीं होने देगी, ऐसा विश्वास मैं पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, चलिए मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आ चुके हैं और ये आखिरी दौर है सवालात का, तो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जाहिर है कि सरकार ने भाजपा को चुना है और अभी 2 साल हुए हैं, 3 साल बाकी हैं, तो एक अच्छे विपक्ष के तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आपके सामने बैठे हैं, आपकी इनसे क्या अपेक्षाएं हैं कि ये जनता के लिए क्या करें और उसमें आपका क्या सहयोग इनके लिए रह सकता है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न, हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन में विश्वास रखते हैं, जो मुख्यमंत्री ने जनहित में कदम उठाए हमने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि सरकार मनमाने ढंग से काम करी या जनहित में काम नहीं करी, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। जी सिंघा साहब, देखिए मैं बहुत फ्रैंक हूँ, कोई बात छुपाता नहीं, किसी भी चुनी हुई सरकार का दायित्व है कि उसको जो संवैधानिक जिम्मेवारी उसकी सेवाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, बिजली है, वेटनरी है, सड़क है, ये किसी भी चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन आज क्या हकीकत है, मैं इनको दोष नहीं ठहरा रहा हूं, ये 1990 से जो हमने विकास का रास्ता बदला, नव उदारवाद लाया, और ये ट्रांजिशन पीरियड है, ख्याल करें आप, फ्रॉम दी पब्लिक सेक्टर टू दी प्राइवेट। मेरा ये है हिमाचल प्रदेश की सरकार से कि इस पर रोक लगा दें आप, नहीं तो ये जो सेवाएं हैं, ग्रहण लगा है और बढ़ता रहेगा, ना पीने का पानी मिलेगा, ना स्वास्थ्य मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, ये हाल हो जाएंगे। आज परिस्थिति क्या है, जिस समय 6 लाख मीटर थे बिजली के, 44,000 कर्मचारी, आज मीटर हो गए 21 लाख, कर्मचारी रह गए 19,000। मेरे चुनाव हलके में आधी से ज्यादा पानी की स्कीमों में स्टाफ ही नहीं है, तो मैं तो कहता हूं वाकई भगवान या देवता इस धरती पर है जो आदि स्कीमें बगैर स्टाफ से चल रही है, लोग चला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन हिमाचल की जनता बहुत शरीफ है, बोलती आखिरी 5वें साल बोलना शुरू करती है, तो ये समझ ले ये वाली सरकार भी, पुरानी सरकार भी जानती है कि लोग ये ठीक है, शरीफ है, लेकिन ये सेवाएं नहीं मिलेगी, वो जवाब दे देगी 5 साल बाद। चलिए आखिरी सवाल सतपाल सत्ती साहब आपसे, क्योंकि हिमाचल की राजनीति की बात सिंघा साहब कर रहे हैं और अक्सर यही हुआ है हिमाचल में कि 5 साल के बाद सत्ता बदलती है और आपका जो कार्यकाल है वो 9 साल का रहा है, तो ये सरकार रिपीट करे इसको लेकर, जो पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने का आप दावा कर रहे हैं या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रहे हैं, तो संगठन के तौर पर, पार्टी के तौर पर क्या आपका लक्ष्य रहेगा? सिंघा जी ने काफ़ी बातें की हैं, उसमें इन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार, इनका कहना इनडायरेक्ट रूप से यह है कि ठीक नहीं चल रही है और इनको प्राइवेटाइजेशन को रोक देना चाहिए। मैंने पहले भी बोला है कि हम कंज्यूमर स्टेट के हैं, सिंघा जी सारे इकोनॉमिक्स भी जानते हैं, गवर्नमेंट कोई भी ऐसा नहीं कर सकती कि सारे काम गवर्नमेंट करे, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट ये दावा नहीं कर सकती कि हर काम हम करेंगे और हर काम को करने के लिए हमारे पास पैसा है, इतना पैसा किसी के पास भी नहीं, चाहे CPM 30 साल तक बंगाल में रही, जैसा आपने विषय बताया CPM का राज 30 साल तक बंगाल में रहा,
आज भी हिंदुस्तान में एकमात्र बंगाल ऐसा प्रदेश है जिसके कलकत्ता की सड़कों के ऊपर राजधानी के अंदर रिक्शे को घोड़ा नहीं खींचता है, रिक्शे को आदमी नंगे पाँव पैदल चल करके खींचता है। ये CPM का जो आर्थिक तंत्र है वो इस तरह कर रहा है वहाँ पर 30 साल शासन किया। हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में 73 साल में सिर्फ 5 साल आदरणीय शांता कुमार जी रहे, 10 साल धूमल जी रहे और जयराम ठाकुर जी को बने हुए 2 साल हुए, कुल मिलाकर के 17 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को आए हुए हैं। हम लोगों ने हिमाचल में जब जब भी आए हम लोगों ने अच्छी गवर्नमेंट दी। मैं ये नहीं कहता कि हमने सब कुछ किया, लेकिन मैं जो दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना कांग्रेस ने किया उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया हिमाचल प्रदेश में। हम लोग उसका कभी भी डिस्कशन भी कर सकते हैं। कांग्रेस के लोगों ने भी बहुत कुछ किया, क्योंकि कुलदीप जी थोड़ा मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उतना नहीं किया जितना उनको टाइम मिला 55 वर्षों के अंदर। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो एक इतिहास चला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पिछले 30 सालों से दोबारा गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे हैं। पूरे देश के अंदर भी यही होता था कि 30 सालों से किसी को बहुमत नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी ने 2014 में साबित किया कि पूर्ण बहुमत लेकर के देश में गवर्नमेंट बनाई और दोबारा गवर्नमेंट रिपीट की और उससे भी ज्यादा बहुमत से रिपीट की। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व इसी के चलते जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आप लोगों से उम्मीदें हैं गवर्नमेंट रिपीट करेगी और ज्यादा बहुमत से रिपीट करेगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए क्योंकि आपको पूर्ण बहुमत से मौका दिया गया केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में जिसमें हिमाचल भी शामिल है, उपचुनाव आप लोग जीत रहे हैं, तो आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं और जाहिर है कि जब उम्मीदें ज़्यादा होंगी तो शिकायत भी ज़्यादा होगी। आप तीनों से मेरा मानना है कि और लंबी बातचीत करें, लेकिन इस सेशन को हमें यहीं पर विराम देना होगा। मुख्यमंत्री साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, आप तीनों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बने और साथ ही आपको बता दें CM जयराम ठाकुर भी हमारे बीच यहां पर मौजूद है, तो जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए। और मैं खबरें अभी तक के MD मिस्टर विशाल गर्ग को यहां पर स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि वो यहां पर आए। और जैसे कि खबरें अभी तक की एक परंपरा है, अनूठी परंपरा है कि यहां पर हम स्मृति चिन्ह या फिर कोई ट्रॉफी देने के बजाय एक पौधा देने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आप सभी ये जानते हैं एक पौधा आज हमारी पृथ्वी के लिए कितना जरूरी हो गया है। क्योंकि जाहिर तौर पर आप हिमाचल प्रदेश में हैं तो आपको शायद इतना पता ना लगे कि प्रदूषण का स्तर बाकी राज्यों में कितना हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ जलवायु है, इसके लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। जोरदार तालियों के साथ यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं, एक पौधा दिया जा रहा है ताकि देश में पर्यावरण का जो संदेश है वो पहुंचे। हिमाचल प्रदेश जो कि खुद पर्यावरण के लिए जाना जाता है, यहाँ की जो पर्यावरण की जो खासियत है उसके लिए जाना जाता है, आप उसके लिए भी किसे यादगार के तौर पर ले सकते हैं। ये ऐतिहासिक पल जब सत्ता पक्ष विपक्ष सभी एक साथ एक मंच पर मौजूद और खबरें अभी तक अपना कार्य पूरी तत्परता और निष्पक्षता के साथ करता हुआ, जनता की जो मुद्दे हैं उन्हें पहुंचाता हुआ